डीएम महोदय ने सूचित किए थे और एक्सीएन को भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ 11,000 वोल्टेज का एक खंभा गिरा है और 420 वोल्टेज का दो खंभा गिरा है। तो बहरहाल एक हफ्ते में तो 11,000 वोल्टेज का उन्होंने खंभा तो लगा दिया, लेकिन जो आबादी में बना जो पोल थे दोनों वो गिरे हैं, वो तो अभी तक बना नहीं, लगभग एक साल से वो नहीं बना है। और एसडीएम महोदय के हमने फोटो खींच कर व्यक्तिगत अप्लीकेशन उनको मामले को समझाया और वीडियो दिखाकर भी बताया कितनी समस्या है, उसके बाद भी एसडीएम महोदय नहीं सुनी बात को। और हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हम व्हाट्सएप भी किए, व्हाट्सएप भी मंगवाया, व्हाट्सएप भी किए उनको, उसके बाद भी ये समस्या है। और रही रोड की बात, तो तूफानी सरोजी जा रहे थे तो ग्रामीण वासी उनको रोका और वो गाड़ी से चले गए और रुके नहीं। रोड की ज्यादा समस्या विधायक वो है और उनको देखना चाहिए, जनप्रतिनिधि है तो उनका काम ही दायित्व है कि जन की सेवा करे, और जन की सेवा नहीं कर रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं। तो गांव वाले मतलब यहाँ पे विधायक जी जा रहे थे तूफानी सरोजी, तो रोकने का प्रयास किए लेकिन वो रुके नहीं। जी एकदम प्रयास किए, भरपूर प्रयास किया, औरतों ने भी प्रयास किया लेकिन वो रुके नहीं, वो चले गए। तो अभी तो सामने चुनाव है, वो आ रहे हैं, तो क्या होगा उनके लिए? अरे उनके लिए जनता उनको अच्छा संदेश देगी और वो निश्चित रूप से उनको यह समझ में आएगा कि जनता का काम करने का नतीजा क्या होता है। मतलब रोकने के आने की बात तो छोड़ो, रोकने के बाद भी नहीं रुके हैं विधायक जी? हाँ, नहीं एकदम नहीं रुके हैं, वो चले गए हैं। तो दुआर कर रहे हैं।